बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स आई एम गोइंग टू टीच यू द मेडिकल्स ऑफ साइंस क्लास टू. मेडिकल्स ऑफ साइंस क्लास टू. लेट्स ओपन द यूनिट नंबर थ्री, पेज नंबर 19. यूनिट नंबर थ्री, पेज नंबर 19. इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट द प्लांट्स. वी रीड अबाउट द प्लांट्स. इन दिस स्टूडेंट्स यू विल बी एबल to identify major parts of a plant, major parts of a plant, list the functions of the root, stem, leaf and flowers, identify the different kinds of leaves found around them. यानी इस जो यूनिट है इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजर पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स उनके बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स फाउंड अराउंड देम. यानी जो डिफरेंट काइंड्स हैं, आप देखें जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स लीव्स की होती हैं, यानी उनके पत्ते भी जो होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. उसके बाद हमारे पास आ रहा है आइडेंटिफाई द रूट्स दे आर ईटन बाय पीपल. और इसमें कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स हम लोग जो है वो अपनी डाइट के तौर पर यूज करते हैं, उसको हम खाते हैं. आइडेंटिफाई दैट ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम. और इसमें जो होते हैं वो हर जो फ्रूट होता है उसमें सीड्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. रिकॉग्नाइज द डैट सम प्लांट्स ग्रो फ्राम सीड्स. और इसमें इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सीड्स हैं यानी जो बीज हैं उनसे पौधे कैसे बनते हैं. प्लांट्स नीड वाटर, न्यूट्रंस, एयर एंड सन लाइट टू ग्रो. और इसमें जो होते हैं उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की, और न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. एंड आइडेंटिफाई द वेज इन विच प्लांट्स आर यूज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एट्सेट्रा. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं वो हमारे लिए किस तरह इस्तेमाल होते हैं, खुराक के तौर पर, क्लॉथिंग के तौर पर एंड शेल्टर वगैरह के तौर पर. चले लेट्स ओपन द पेज नंबर 20. एनिमल्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. यानी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इंसानों और जानवरों की तरह जो पौधे हैं वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. यानी जितने भी पौधे जो हम लोग इर्द गिर्द देखते हैं. यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. यानी इसमें बहुत सारे डिफरेंस होता है. एक पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है. कुछ के पत्ते कुछ शेप में होते हैं, कुछ के लंबे में होते हैं, कुछ के गोल में होते हैं. ये इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है. लेट्स अस स्टडी अबाउट द प्लांट्स इन डिटेल इन दिस यूनिट. यानी अब हम इस यूनिट में जो है वो प्लांट्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे. यहां पे देखें प्लांट्स गिव अस. अब यहां पे हमारे पास आ रहा है एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें वो शो कर रहे हैं कि प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट. यानी इससे हमें खुराक मिलती है जिसे हम खाते हैं. मटेरियल्स टू मेक थिंग्स. और इससे जो हमें वुड हासिल होती है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. जैसे चेयर्स आ गई, अब ये लेड पेंसिल है तो ये भी लकड़ी की बनी हुई है. ये भी हमारी मटेरियल जो हमें लकड़ी हासिल हुई पौधे से उसको हमने आगे फाइनलाइज करके फिनिश गुड्स बनाया वो एक पेंसिल की शक्ल में. उसके बाद शेल्टर है यानी कुछ हमें पनागा यानी जो हमें पनाह मिलती है, हम साए में बैठते हैं पौधों के. इसी तरह क्लीन एयर यानी इनके जो इसके जो पत्ते हैं वो हमारी हवा को साफ करते हैं. ये भी प्लांट्स का एक काम है जो हमें उनसे हासिल होता है. लेट्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है, जो एक पौधा है, उसके कितने पार्ट्स हैं. लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. यू कैन सी हियर इज आर फ्लावर्स इन इट्स स्टेम एंड लीव्स एंड फ्रूट्स एंड रूट्स. यानी एक पौधे के जो हिस्से हैं उनके बारे में बताया गया है कि उस पर फूल भी लगते हैं, उस पर पत्ते भी होते हैं, उस पर तना भी होता है, उस पर फ्रूट भी लगते हैं. और उसके बाद अब अगर ज़मीन के नीचे देखें तो उसकी रूट्स भी होती हैं. ये सारे उसके पार्ट्स हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर्स. फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम एंड दे मेक फ्रूट्स. यानी जो फूल होते हैं ना वो तने के साथ लगते हैं और ये जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये फ्रूट्स की शक्ल में आ जाते हैं. यानी कोई भी आप देख लें, कोई जो फ्रूट प्लांट है ना तो उससे पहले वो उसके ऊपर एक छोटा सा फूल लगता है उसके तने पर और वही जो फूल है वो बाद में फ्रूट की शक्ल में आ जाता है. नेक्स्ट लीव्स मेक्स फूड.
फॉर द प्लांट्स। और जो ये जो पत्ते होते हैं ये क्या करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस से, हमने बच्चों पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स, यानी ये पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है फ्रूट्स, है फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, यानी अब ये जो फ्रूट लगता है पौधे के ऊपर इसके अंदर भी बीज होते हैं, ये भी एक जो होता है ना वो इसके अंदर बीज होते हैं जिससे वो दोबारा यही इसी शक्ल के इसी तरह के जो पौधे हैं वो डिवेलप करते हैं, वो ग्रो करते हैं। द स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव, यानी ये जो तना होता है ना पौधे का, ये जो बीच में एक बड़ा सा, उस वो क्या करता है, वो ज़मीन से पानी लेता है और मिनरल्स लेता है, यानी रूट से उसकी जो जड़ के अंदर पानी वगैरह होता है, और उसको वो जो है ना वो उसको खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये जो रूट्स हैं, रूट से जो पानी हासिल होता है और जो मिनरल्स हासिल होते हैं वो हमारे पत्तों में जाते हैं, और पत्तों से सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फिर इस पौधे की खुराक तैयार होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है रूट्स, रूट्स रूट्स ग्रो इन द सोल एंड दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल, यानी ये ज़मीन के अंदर होती हैं और ये जो होती हैं ये पानी और मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन से लेती हैं, और फिर जो होती हैं ये रूट्स जो हैं वो आगे इन जो मिनरल्स हैं, ये जो वाटर है इसको तने में भेजती हैं, और तना जो है वो आगे इनको पत्तों में सप्लाई करता है जिससे इनकी खुराक तैयार होती है। एंड रूट्स ग्रो इन द सोल, यानी ये ज़मीन के अंदर जो होती हैं ये ग्रो करती हैं, जैसे पौधा ज़मीन के ऊपर की तरफ ग्रो करता है इसी तरह ये जो रूट्स होती हैं ये जमीन के अंदर बहुत दूर दूर तक इनकी ग्रोथ होती है। ये बहुत दूर तक, आपने देखा अगर किसी आप पौधे को काटें या जमीन से खोदना शुरू करें तो उसकी जो रूट्स हैं वो जमीन के बहुत दूर दूर तक ग्रो की होती हैं, इसलिए कहते हैं रूट्स ग्रो इन द सोल एंड दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 21, हियर वी रीड अबाउट द लीव्स, रीड अबाउट द लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते जो होते हैं पौधे के। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, लीव्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस, यानी जो हर पौधा जो होता है उसके मुख्तलिफ काइंड्स के लीव्स होते हैं, एंड लीव्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस, और इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं और मुख्तलिफ साइज होते हैं। दे मे बी बिग, ये बड़े हो सकते हैं, स्मॉल छोटे हो सकते हैं, राउंड गोल हो सकते हैं, और लॉन्ग या लंबे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बनाना ट्रीज लीफ इज लॉन्ग, whereas leaves of a neem tree are small, यानी उसने मिसाल दी है कि आप ये देखें ये जो बनाना लीफ है ये बड़ा होता है, और जबकि जो नीम, यानी नीम का जो दरख्त है ना उसके आप पत्ते देखें तो वो छोटे होते हैं। इसी तरह ये वाटर लिली है तो इसका जो पत्ता है ये राउंड शेप में है, ठीक है, ये स्मॉल में आ गया, ये लॉन्ग में आ गया और बड़े में आ गया, और इसी तरह ये गोल शेप में आ गया, यानी राउंड शेप में आ गया। यानी इस पत्ते को हम फिर क्या करेंगे, जो वाटर लिली यानी प्लांट का पत्ता है वो क्या है, वो राउंड शेप में है। ये जो है यहाँ पे अब उसने बताया है कि जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है लीव्स हैव द इम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स, यानी इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब होती है वो क्या करती हैं, वो पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस द लीव्स मेक्स अ फूड फॉर द प्लांट्स, यानी हमने देखा था कि ये ज़मीन से जो जड़ें होती हैं वो पानी सप्लाई करती हैं, मिनरल सप्लाई करती हैं, वो ऊपर जो है वो पत्तों में जाता है और उसके साथ सूरज की रोशनी मिलती है और एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू ये पत्ते जो हैं वो पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। वी ईट लीव ऑफ सम प्लांट्स टू, फॉर एग्जांपल स्पेनिश एंड लिप्टस, यानी यहाँ पे अब उसने कहा है कि कुछ ऐसी पौधे हैं, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जिनके पत्ते हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देती हूँ बच्चों, पालक, यानी जिसको हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। स्पिनिच इसका जो है ना ये पत्ते हैं, ये एक पौधे के फल नहीं है, ये एक पौधा खुद नहीं है, ये उसके पत्ते हैं जिसको हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, वट डू रूट्स डू, यानी वट डू रूट्स डू, यानी रूट्स क्या करती हैं, वट डू रूट्स डू। अब हमारे पास आएगा रूट्स टेक अप वाटर, रूट्स टेक अप वाटर and minerals from the soil,
यानी जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन्होंने कहा है कि वो क्या काम करती हैं, वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स लेती हैं, किसके लिए, फ्रॉम द सोल, ज़मीन से किसके लिए, खुराक तैयार करने के लिए पौधे की। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, व्हाट डज द स्टेम डू, यानी जो जो पौधे का तना है वो क्या करता है, व्हाट डज द स्टेम डू, द स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स minerals from the root to leaves, यानी ये जो पौधे का जो तना होता है ये पानी और मिनरल्स जो हैं रूट से उसको भेजता है पौधों में, और ये काम कौन करता है, पौधे का जो तना है वो रूट से लेता है वाटर और मिनरल और उसको नेक्स्ट जो है वो लीव्स में भेजता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस से पौधे अपनी खुराक तैयार कर सकें। नेक्स्ट इज व्हाट डू फ्लावर्स डू, यानी जो पौधे का जो फूल है वो क्या करता है, फ्लावर्स मेक्स फ्रूट, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि जो पौधे के ऊपर जो फूल लगते हैं ना वो जो है वो कुछ अरसे बाद उसकी फ्रूट की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो इसलिए फ्लावर्स मेक फ्रूट्स। व्हाट डू लीव्स डू, अब हमारे पास आ रहा है कि व्हाट डू लीव्स डू, यानी जो पौधे के पत्ते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स मेक फूड फॉर द, अब हमने पढ़ा था कि जो पौधे के पत्ते होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब करते हैं, मीन्स कि वो पौधे के लिए क्या करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, इसलिए लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, यानी ये पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 22, रूट्स मीन्स जड़ें, यानी पौधे की जो जड़ें होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट्स विच आर यूजुअली हिडन अंडर द ग्राउंड, यानी आपने देखा था कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जो हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, छुपी हुई होती हैं, यानी आर विच आर यूजुअली हिडन अंडर द ग्राउंड, दे हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट इन द सोल, यानी ये जो जड़ों की मदद से जो पौधा होता है वो ज़मीन के ऊपर फिक्स हुआ होता है। दे आल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और इसके साथ साथ ये जो फूड होती है यानी को खुराक होती है वो भी स्टोर करती है पौधे के लिए, जो जो एक्स्ट्रा जो उसकी फूड होती है वो उसकी जड़ों में जाके स्टोर हो जाती है। वी ईट द रूट ऑफ द प्लांट सम प्लांट्स, यानी हम लोग जो हैं वो ऐसे बहुत ऐसे कुछ पौधे हैं जिनकी हम लोग जो हैं वो जड़ें अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें मिसाल दी है, कैरेट है, रेडिश है एंड बीट रूट है एटसेट्रा। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ये देखें कैरेट है, तो ये जो इसकी ये जो जो हिस्सा हम लोग अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन के अंदर है और ऊपर जो है ये छोटा सा पौधा बना हुआ है, और ये जो रूट है इसको हम लोग अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये पौधे जो हैं ये इसमें इसमें शामिल है कैरेट। रेडिश है तो ये भी ज़मीन के अंदर, ये जो इसका वाइट वाला पोर्शन होता है ये भी ज़मीन के अंदर होता है और इसको ये इसकी जड़ होती है और इसको हम लोग अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीट रूट, यानी जिसको आप चिकंदर कहते हैं, ये इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ये भी ज़मीन के अंदर होता है और ये पत्ते ऊपर होते हैं और इसको हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ये भी शामिल है जिसकी जड़ें हम लोग अपनी खुराक में खाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट, यानी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं और यही फ्लावर्स जो हैं ये बाद में जो क्या करते हैं, फ्रूट्स की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, अब हमारे पास आ रहा है फ्रूट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रूट्स इज मेड फ्रॉम अ फ्लावर, जैसे हमने पढ़ा कि जो फूल जो हैं वो फ्लावर की शक्ल में यानी वो फ्रूट की शक्ल में कुछ अरसे बाद बन जाते हैं। एंड देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, और हमारे पास बहुत एग्जाम के फ्रूट्स हैं। फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच होल्ड द सीड्स, अब आपने देखा होगा आप कोई किसी भी फ्रूट को देख लें, जस्ट लाइक एप्पल, तो उसके अंदर उसके छोटे छोटे से बीज होते हैं, उसके अंदर वो जो है अब हर जो फल है उसके अंदर बीज होते हैं। दिस मीन्स डैट सम ऑफ द प्लांट्स नोन एज वेजिटेबल्स आर एक्चुअली फ्रूट, यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं और आर एक्चुअली फ्रूट, यानी वो फ्रूट्स नहीं है वो वेजिटेबल्स में आते हैं।
जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल उसने टमाटो इज़ अ फ्रूट, यानी टमाटो है उसके अंदर बीज भी हैं, लेकिन वो सब्जी में आएगा, वो फ्रूट में नहीं आएगा. ओके अब हमारे पास एक अमेजिंग फैक्ट आ रही है, ए पॉपरी ग्रेनेट कैन होल्ड अप टू 1000 सीड्स, यानी इसके अंदर जो है एक अनार का जो फल है उसके अंदर राउंड अबाउट जो है वो 1000 सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जिसको हमने अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है सीड्स. The seeds grow into the plants, यानी जो seeds हैं, जो जो बीज होते हैं वो पौधे की शक्ल में grow करते हैं. Some fruits have a few seeds, whereas some have only one seed, and some fruits have many seeds. बच्चों इसको देखो, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे fruits हैं जिसके अंदर बहुत कम बीज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक बीज होता है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, यानी सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं. जस्ट लाइक अ मैंगो, मैंगो हैव ओनली वन सीड, जिसको हम कहते हैं ये मैंगो की गुटली है, और हर मैंगो में एक ही गुटली होती है, इसलिए ये उसका एक ही सीड होता है, यानी उसमें उसके अंदर एक ही बीज होता है. प्लम हैज ओनली वन सीड, इसी तरह ये आलू बखारा है, और इसके अंदर जो होता है वो भी एक ही बीज होता है. ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स, अब आप ऑरेंज के, ऑरेंज को आपने खाया होगा, उसमें देखा होगा कि उसमें बहुत थोड़े से बीज होते हैं. इसी तरह ये पपाया है, पपाया फ्रूट हैज़ मैनी सीड्स, अब इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं. इसी तरह वाटरमेलन हैज़ मैनी सीड्स, यानी ये जो वाटरमेलन है इसके अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं. एंड एप्पल हैज़ फ्यू सीड्स, और जो एप्पल का फल है इसके अंदर भी बहुत थोड़े से बीज होते हैं. नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 24. हियर वी रीड अबाउट द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी जो सीड्स होते हैं उसमें प्लांट्स जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं. ठीक है, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी बहुत सारे जो पौधे हैं वो कहाँ से बनते हैं, उनके बीज से बनते हैं. सीड नीड्स वाटर, यानी एक जो बीज है उसको वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है. फ्रॉम द सोल, यानी ज़मीन से वो पानी लेता है और न्यूट्रंस लेता है. एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी. एंड एयर, और जो हवा होती है टू ग्रो, उसको बढ़ने के लिए उसको वो, यानी बीज से उसको पौधा बना देती है. न्यूट्रंस आर मिनरल्स एंड विटामिन्स डैट हेल्प्स द थिंग्स टू ग्रो, यानी न्यूट्रंस और मिनरल्स जो होते हैं ये विटामिन्स होते हैं जो पौधे को ग्रो करने में मदद देते हैं. सीड्स टेक्स न्यूट्रंस फ्रॉम द सोल, यानी जो बीज जो होता है वो न्यूट्रंस वगैरह लेता है ज़मीन से. एंड दी सीड स्टार्ट्स टू ग्रो रूट्स अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रंस, और ये जो सीड्स हैं ये स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, और इसकी रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रंस. व्हेन द प्लांट्स डिग्स थ्रू द ग्राउंड इट स्टार्ट्स getting sunlight and that helps the leaves to grow. और इसी तरह जब प्लांट्स जो है वो ब्रेक, यानी बड़ा होना शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ उन्हें सूरज की रोशनी हासिल होती है जो उनको ग्रो करने में मदद देती है. फ्लावर्स ग्रो when the plant is fully grown. और फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते हैं जब एक पौधा जो है वो फुली ग्रोन हो जाता है, यानी वो बढ़ता है, फिर उसके ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स ग्रो, यानी उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाते हैं. ये देखें यहाँ पे पिक में उसने दिखाया है कि ये सीड है, इसको हमने ज़मीन के अंदर बोया, और उसके बाद उसमें उसके अंदर से सबसे पहले रूट्स निकली हैं, और वो रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करना शुरू हो गई हैं, और जब वो ज़मीन के अंदर ग्रो हुई हैं तो इसके साथ ही वो ऊपर को ज़मीन के ऊपर की तरफ उसका जो है एक मट सा निकला है, और उसके साथ वो उसके लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं, यानी वो ऊपर की तरफ ग्रो किया है. जब उसने ऊपर की तरफ ग्रो किया तो वो उसके, यानी वो एक प्लांट की शक्ल में आ गया, और उसके ऊपर जो है वो पत्ते लगना शुरू हो हैं. कुछ अरसे बाद वो सूरज की रोशनी में उसके ऊपर फूल लगेंगे, और वही फूल जो है वो फल की शक्ल में हमारे सामने आएंगे. अब हमारे पास नीचे आ रहा है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर फूड्स, यानी कौन सा ऐसा हिस्सा है पौधे का जो स्टोर करता है किसको, फूड, खुराक को. तो अब हमारे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जमीन पौधे का कौन सा हिस्सा है जो जो है वो खुराक को स्टोर करता है, तो हमने कहा था रूट्स. रूट्स स्टोर फूड्स फॉर द प्लांट्स. What does a seed needs to grow? यानी एक जो बीज होता है इसको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको हवा की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है.
हाउ मैनी सीड्स डज अ मैंगो हैव. हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ सीड्स होते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ मैनी सीड्स डज अ मैंगो हैव, यानी जो मैंगो का जो फल है उसके अंदर कितने बीज होते हैं. ओनली वन. Why do you think plants are important for us? Plants give us foods to eat, clean water and shelter. That's why the plants are important for us. अब यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो plants हैं वो give us foods, यानी इनसे हमें खुराक मिलती है. Give us clean air, यानी इससे हवा जो है हमारी इर्द गिर्द की आबो हवा वो साफ होती है. एंड शेल्टर, और इससे हमें पनाह मिलती है, साया मिलता है. शेल्टर. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 25 एंड हियर वी रीड अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के इस्तेमाल जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं या हम लोग अपनी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके साथ साथ इसको इसका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे बताया है. यूजेस ऑफ प्लांट्स में हमारे पास नंबर वन पे आ रहा है कि प्लांट्स प्रोड्यूस लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी प्लांट्स जो हैं वो पत्ते और फल यानी फूल वगैरह जो हैं वो बनाते हैं. विच आर यूज फॉर मैनी थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल में आते हैं. लीव्स एंड फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसन्स, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फूल इस तरह के होते हैं कि उसको हम अपनी मेडिकेशन में यूज़ करते हैं. उसमें लीव्स एंड फ्लावर्स यानी उनके पत्ते और उनके फूल जो है वो हम अपनी मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड परफ्यूम्स वगैरह एंड ऑयल्स एक्सेट्रा, और इसी तरह ये जो कुछ उनसे परफ्यूम्स बनती हैं और कुछ जो है वो ऑयल्स के तौर पर, यानी कि उनके जो फूल होते हैं या उनकी जो पत्ते होते हैं उनको हम लोग जो है वो रिफाइन करके उससे ऑयल वगैरह बनाते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है प्लांट्स गिव अस वुड, यानी पौधों से हमें लकड़ी हासिल होती है. विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, बोर्ड्स, टॉयज एट्सेट्रा, यानी जिससे हम आगे फाइनलाइज करके फर्नीचर बनता है हमारे लिए. बोर्ड यानी लकड़ी की कश्तियाँ वगैरह बनती हैं. टॉयज बनते हैं, यानी ये भी एक प्लांट्स का इस्तेमाल है, उससे लकड़ी मिलती है और उसको हम लोग फाइनलाइज करके नेक्स्ट जो है वो फर्नीचर बनाते हैं, वो बोर्ड्स बनाते हैं और टॉयस वगैरह को. प्लांट्स प्रोवाइड अस शेड फ्रॉम द सन शाइन, यानी प्लांट यानी पौधे जो होते हैं वो हमें साया भी देते हैं सूरज की रोशनी से. यानी गर्मियों में हम लोग अक्सर देखा होगा कि जो दरख्त हैं उनके साये में लोग बैठते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए, सूरज की गर्मी से बचने के लिए. सो प्लांट्स आल्सो गिव अस शेड फ्रॉम द सनशाइन. Plants give us fruit and vegetables, यानी plants जो हैं वो हमें fruits भी देते हैं और हमें vegetables भी मिलती हैं. Next है plants give us cotton and we make clothes from the cotton, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जिनसे हमें cotton मिलती है, यानी वो रुई वगैरह के जो पौधे होते हैं वो next जो है वो हमारे लिए कपड़े वगैरह बनाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. Some animals make their homes in trees, यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपना जो है वो दरख्तों में घर बनाते हैं. जैसे वो आपने देखा होगा कुछ परिंदे हैं जो अपना घोंसला जो है वो पौधों के ऊपर बनाते हैं या उसके अंदर जो है वो अपना उन्होंने घर बनाया होता है. यानी सम एनिमल्स मेक देयर होम्स इन ट्रीज. नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 26 एंड हियर आर द सम वर्ड्स यू नीड टू लर्न अबाउट दीज वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर न्यूट्रंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस है डैट हेल्प्स अ लिविंग थिंग्स ग्रो. यानी न्यूट्रंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो हेल्प करता है जो लिविंग थिंग्स हैं जो जानदार चीज़ें हैं उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है. इसी तरह मिनरल्स हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है फॉर्म इन द अर्थ, यानी ये जो है ये मिनरल जो है ये हमें ज़मीन से मिलते हैं और ये भी जो है ये ग्रो करने के लिए लिविंग थिंग्स की ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द कंसेप्ट मैप, हियर आर द प्लांट्स. अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि प्लांट्स हैव स्टेम लीव्स, यानी प्लांट्स जो है वो उसके रूट्स होती हैं, उसके तने होते हैं, उसके पत्ते और फ्लावर्स होते हैं. एंड रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन द सोल, यानी रूट्स जो है वो हमने पढ़ा था कि वो मदद करती हैं पौधे को ज़मीन के अंदर स्टैंड करने के लिए. इसी तरह जो है वो रूट्स से अब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके जो पौधा है वो वाटर एंड मिनरल्स को तने में भेजता है और तने से वो आगे उसके पत्तों में जाते हैं जो उसकी खुराक बनने में मदद करते हैं. इसी तरह ये स्टेम है
हैं, यानी उसका तना होता है और लीव्स होते हैं, और टेक वाटर्स यानी जो तना होता है वो पानी लेता है ज़मीन से, और इसके साथ साथ मिनरल्स को जो टू द लीव्स यानी जो पौधों में भेजता है। और नेक्स्ट है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं, यानी कुछ के लंबे और बड़े होते हैं, कुछ के गोल, जैसे वाटर लिली हमने एक प्लांट पढ़ा था उसके जो पत्ते थे वो गोल शेप में थे, राउंड शेप में थे, इसी तरह लीव। अब यहाँ पे हमने लीव्स के बारे में पढ़ा कि वो जो है वो मेक फूड, वो पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे हमने पढ़ा कि ये पालक वगैरह जो है ये पौधे के जो होते हैं पत्ते होते हैं, स्पिनच वगैरह, इसको हम अपनी डाइट के तौर पर यूज़ करते हैं, अपने खुराक में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स इज़ मेड फ्राम फ्लावर्स, और हमने पढ़ा कि जो पौधे के जो फूल होते हैं ना वो फ्रूट की शक्ल में आ जाते हैं, और फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रूट्स, उनसे फ्रूट बनते हैं, और फ्रूट के अंदर जो होता है वो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जो दोबारा जो है वो ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स, यानी वो दोबारा जो नए पौधों की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट द प्लांट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। नंबर वन ऑप्शन इज चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। Which one of the following parts of a plant sucks water from the soil? यानी पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ज़मीन से पानी लेता है, तो हमने पढ़ा था roots। Which one of the following makes food for the plants? यानी हमने अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कि आपने ऐसा कौन सा हिस्सा है पौधे का, ऐसा कौन सा पार्ट है जो पौधे के लिए खुराक तैयार करता है। Which one of the following make food for the plant? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो पौधे के जो पत्ते हैं वो उसके लिए जो है वो फूड तैयार करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ अ प्लांट, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ अ प्लांट, यानी ऐसा कौन सा जो पौधा है जिसकी रूट्स हैं, इन इन ऑप्शंस में देखें, बीट रूट है, स्पिनिश है, एप्पल है, या रोज है, यानी जो रूट है, तो हमने पढ़ा था कि ये जो बीट रूट है यानी जिसको चकंदर कहते हैं, तो ये पौधे की क्या है, ये रूट है जिसको हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीड्स आर मेड इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द स्टेम, इनसाइड द रूट्स एंड लीव्स, यानी आपने पढ़ा था कि जो बीज होते हैं ना वो उसी पौधे के फल के अंदर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास आएगा फ्रूट। Fruit is made from the flowers, from the stem, from the roots or leaves. Fruit is made from the flowers. यानी जो फल है वो उसके फूल से बनता है पौधे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है रिकॉल्स क्वेश्चंस, यानी अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके बारे में है कि इसको आप पढ़ें और इनके आंसर्स दें। व्हाट न्यूट्रिएंट्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, यानी जो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो सीड को जरूरत होती है टू ग्रो, ग्रो करने के लिए। अ सीड नीड, सीड नीड नीड्स वाटर, यानी उसको पानी की जरूरत होती है, सनलाइट, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो, यानी उसको ग्रो करने के लिए पानी, सूरज की रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम सम लीव्स वी ईट, यानी आप किसी ऐसे पत्ते के बारे में यानी पत्तों के बारे में बता सकते हैं जिसको आप अपनी खुराक में लेते हैं, जिसको आप खाते हैं, तो हमने पढ़ा था स्पिनच एंड लेटस आर द plants are the leaves which we use in our diet. Next is what does a fruit hold, yani ek fruit jo hai wo kya karta hai, wo kya rakhta hai, humne padha tha ki jo fruit hota hai uske andar kya hote hain, seeds hote hain. A fruit hold seeds. Next, why are the plants important for the animals, yani why are the plants important for the animals, it provide foods, yani ye jo hote hain it provides, it provide food, food to animals, yani ye janwaron ko khuraak muhayya karte hain, isliye ye jo hain
जरूरी हैं एंड फॉर एन एनिमल्स. लिस्ट डाउन थ्री यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी लिस्ट डाउन करें जो थ्री यूजेस हैं प्लांट्स. प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक डोर्स एट्सेट्रा. यानी इससे हमें एक मटेरियल हासिल होता है वुड, जिसे हम अपनी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं. तो ये भी जो है एक पौधों का एक यूजेस है. नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 28. हियर आर द डायग्राम एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. यहाँ पे हम हमारे पास एक डायग्राम आ रही है पौधे की, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसके जो लाइंस ड्रॉ की हैं इसको आप लेबल करें, इसको आप नाम दें. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है फ्लावर्स है, उसके बाद लीव्स हैं, नेक्स्ट है फ्रूट है, उसके बाद ये स्टेम है यानी ये पौधे का तना है, नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स यानी ये पौधे के जो मेन पार्ट्स हैं उनको हम लोगों ने लेबल किया है. नेक्स्ट हैं अनस्क्रैपेबल्स द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जो अनस्क्रैपेबल वर्ड्स हैं इनको अरेंज करके लिखें. नंबर वन इज लिखा हुआ है FALE, तो ये हमारे पास बनेगा लीफ. नेक्स्ट है स्टेम. नेक्स्ट इज फ्रूट और फ्लावर. यानी जो अनस्क्रैपेबल वर्ड्स हैं हमने इनको अरेंज करके लिखा है. तो आपने बच्चों देखा है हमारे पास पहले जो था वो लीफ बना है, उसके बाद स्टेम है, फिर फ्रूट है, नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स, नेक्स्ट इज इन दिस टेबल यू कैन सी मार्क द नंबर ऑफ सीड्स इन द फ्रूट्स. यानी ये कुछ फ्रूट्स लिखे हुए हैं और इनके अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स हैं उनको मार्क करें. यानी जैसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है वन सीड है, नेक्स्ट वन में लिखा हुआ है फ्यू सीड्स हैं, एंड द थर्ड वन इज शो मैनी सीड्स. अब यहाँ पे आप फ्रूट्स के बारे में पढ़ें और इसके आगे जितने जितने इनके अंदर सीड्स होते हैं उनको आप मार्क करें. नंबर वन इज मैंगो एंड द मैंगो हैज़ ओनली वन सीड्स. नेक्स्ट इज ऑरेंज हैज few seeds. Next is apple has also a few seeds. Next is plump is also have one seed. Next is papaya and papaya fruit has many seeds. यानी आपने देखा था पीछे बच्चों पिक्स में इसके बहुत सारे बीज होते हैं इसके अंदर. Next is watermelon and watermelon fruit is also have many seeds. Here the unit number 3 has completed. In this unit we read about the plants and their fruits and flowers and next in the seed inside द फ्रूट्स. यहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके उसकी कैसे ग्रोथ होती है उसके बारे में पढ़ा, और वो कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो फूल लगते हैं, फूल से फिर जो फल बनते हैं, और फल के अंदर जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनके बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ा. आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स. ओके, थैंक यू. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.